तो यहाँ से जैसे कि ये बहुत अच्छे अच्छे गॉगल्स वॉचेस काफ़ी सारी मिल जाती हैं। साइज 100-100 रुपए के भैया, इसमें सारे 100 रुपए। काफ़ी कूल कूल टी शर्ट्स इधर से मिल जाएंगी, 130-130 रुपए की सारी। ये इधर से काफ़ी सस्ती टोपियाँ भी मिल जाती हैं। Hey guys, welcome back to the channel. और आज मैं जा रहा हूँ सरोजनी नगर, किस चीज़ के लिए? शॉपिंग। तो आज हमें पता लगा है कि कैसे ब्लॉगर लोग शॉपिंग करते हैं और कहाँ से करते हैं और इतने सस्ते कपड़े लाते कहाँ से, तो इनका आज खुलासा होगा पूरी तरीके से। जैसे कि टाइटल में आप देख चुके हैं, हम किस चीज़ के लिए गोवा के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। तभी मैं हम वेट कर रहे हैं फियर द बियर्ड का, एज यूजुअल इज लेट। सो हम कश्मीरी गेट पे, हम आपको डायरेक्ट INA जाके मिलते हैं। बाय। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं इधर कॉर्न्स खा रहा हूँ और बहुत सारे कॉर्न्स खाते ही जा रहा हूँ, पर ये फियर द बियर्ड आने का नाम ही नहीं ले पा रहा बिल्कुल भी। बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, देखो 11:30 हो गए हैं और 10:30 का टाइम था, 10:30 बजे इधर मिल जाता, एक घंटा लेट है ये बंदा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बियर्ड। इसको बस ऐसे मुझे घुमानी है घर पर। अब आप खुद बताओ हम गोवा की शॉपिंग कब शुरू करेंगे? गाइस, वी आर वेटिंग फॉर हिम। One eternity later. पूरे एक घंटे वेट करने के बाद आ चुके हैं फियर द बियर्ड, जो एक घंटा लेट है। एक घंटा? आइए। क्या बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि हम एक घंटा क्यों लेट है? कितना इग्नोर कर रहा है आपको, देख आप देख ही सकते हैं कितना इग्नोर कर रहा है, इतना बड़ा आदमी समझता है खुद को। इधर आप जैसे कि देख सकते हैं अमीरी की हद हो रखी है। भैया अपने सवारी पूरी करते, भैया कह रहे मैं 4 जने बैठाऊंगा तो 10-10 रुपये सवारी चलती है इधर से। तो इसने कहा कि ना कोई नहीं भैया, आप 40 ले लेना, आप बस चल पड़ो। अमीरी की हद देख रहे हो आप, पैसा देख रहे हो, पैसा कितना है इसके पास, पैसा। हमें क्या, हमें तो अपने 10 रुपये देने, मन्नू को 10 रुपये देने, ये देगा 20 रुपये। फालतू क्या खेड कहीं का। चलो अब हम ना डायरेक्ट सरोजनी नगर जाके मिलते हैं और उधर के मैं कपड़े दिखाऊंगा क्या क्या मिलता है उधर से। तो हम आ चुके हैं सरोजनी नगर मार्केट, ये सारी ये मार्केट है और आज थोड़ी भीड़ पता नहीं किस वजह से थोड़ी कम है। हर चीज़ मिल जाती है इधर से, मतलब गोवा के लिए स्पेशली जितने भी समर्स, क्योंकि हम जनवरी चल रहे हैं तो जनवरी में गर्मियों के अगर कपड़े लेने हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सरोजनी नगर इज़ द बेस्ट मार्केट, इधर से सब कुछ मिल जाएगा और काफ़ी सस्ता मिल जाएगा इधर से। अभी मैं देखता हूँ कर्ट स्लीव्स वगैरह मेरे को लेनी है, कर्ट स्लीव्स लूँगा और शॉर्ट्स लेनी है, जीन्स लेनी है, देखता हूँ क्या क्या अच्छा मिल जाए, थोड़ी क्वालिटी भी देखूँगा मैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है। अभी यहाँ से जैसे कि ये बहुत अच्छे अच्छे गॉगल्स और वॉचेस काफ़ी सारी मिल जाती हैं। सारी 100-100 रुपए के भैया, चश्मे सारे 100 रुपए, ये सारे 100-100 रुपए के चश्मे। काफ़ी कूल कूल टी शर्ट्स इधर से मिल जाएंगी, 130-130 रुपए की सारी। इस टाइप की टी शर्ट्स गोवा में काफ़ी अच्छी लगती हैं, सारी काफ़ी अच्छी अच्छी टी शर्ट। मैंने उधर से भी 2 टी शर्ट्स ले ली, काफ़ी अच्छी लगी थी मेरे को। मैंने 130-130 की 2 टी शर्ट्स ले ली और अब मैं इधर शॉर्ट्स देखने आया हूँ। ये शॉर्ट्स सारी 150-150 की है, मैं आपको अब दिखाता हूँ, शॉर्ट्स दिखाता हूँ। नहीं, ये मतलब काफ़ी वैरायटी की, छोटा बड़ा, ये देखो ये जैसे है, ये ऐसे ले ले चिराग बाबा। अरे ये शांत के पास है ऐसे ऐसे शॉर्ट्स ना, काफी कौन निशान ये वो अच्छा ऐसे स्टाइल देखा हो यार। ये देखो ये शॉर्ट्स ऐसी काफी अच्छी लगती हैं बीच में। A few moments later. तो मैंने अभी 2 शॉर्ट्स 2 टी शर्ट्स ले चुका हूँ और मेरे को अब जीन्स वाली जो शॉर्ट्स होती है वो लेनी है। ऐसी कैसी? वो जीन्स वाली जो शॉर्ट नहीं होती है इतनी वाली, हाँ, ठीक है वो लेनी है और मेरे को कट स्लीव्स लेनी है। ये सब कुछ लेना है अभी। हर मौसम आम की तरह मैंगो शेक मिल गया तो मैंने कहा मैंगो शेक ट्राई कर लिया। अरे मैं बता दूँ कैसा है, सच में अच्छा है मैंगो शेक, ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब कुछ मिलावट है, सही अच्छे अच्छे वाले आम है सारे। पहले मैंगो शेक पीते हैं फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गोवा जाना होता है तो गोवा का जो सारा सामान होता है उसको भी तो किसी में डाल के लेके जाना होता है, तो उसके लिए इधर बहुत सारे बैग्स भी हैं। इधर काफ़ी सही दामों पे आपको बैग्स भी मिल जाएंगे, सही रेट लग जाते हैं। 900 का, ये 900 का बैग है जैसे, और ये ब्लैक कलर में ये वाला 2500। बस ये है कि बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, बार्गेनिंग अच्छे से कर लो। तो देखते ही देखते अभी इतनी भीड़ लग चुकी है इधर, मतलब चलने की जगह नहीं मिल पा रही, इतनी भीड़ है इधर। यहाँ पे तुम्हें काफ़ी अच्छी अच्छी शर्ट्स भी मिल जाएंगी, 350-350 रुपए की,
तो काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, मतलब दुनिया भर की वैरायटी है इधर, 350-350 की। और कपड़ा बहुत अच्छा और कलर भी बहुत अच्छे अच्छे, मैंने भी तोड़ लिए हैं। ऐसे में लिए ये, यू कैन सी लड़के लड़कियों से ज़्यादा ड्रामे करते हैं शॉपिंग करने में। इन लोगों ने आधा घंटा ऑलमोस्ट लगा दिया है तीन तीन गंजीज लेने में। ये देखो भैया की दुकान लूट देंगे दोनों आज मिलके। तो अभी हमने गॉगल्स लिए हैं 150-150 के, बहुत अच्छे गॉगल्स हैं, वो हमें देख लेना, वो आपके ब्लॉग में सब कुछ मैं तैयार शुरू कर दूँगा। थक गया यार। हाँ तो मैंने शॉपिंग कर चुका हूँ अब, या मेनली ना इधर बताऊँ सस्ता बताऊँ, इधर सिर्फ लड़कियों की चीज़ें थी बढ़िया बढ़िया, 50-50 रुपए में, 100-100 रुपए में, 200-200 रुपए में। हमने हम जो चीज़ मतलब 200 की ले रहे हैं ना, लड़कियों की वही सेम चीज़ वो 100 रुपए की मिल जाएगी, जो हम 150 की ले रहे हैं वो 50 की मिलेगी। तो एक तरह से 1/3 रेट सिर्फ लड़कियों को पे करना पड़ता लड़कों से। और लड़कों की ना वैरायटी थोड़ी कम लगी मेरे को, लड़कियों की बथेरी वैरायटी भाई, इतनी वैरायटी थी लड़कियों की। इधर अभी ब्लॉग ख़त्म करता हूँ ये वाला, अब मैं इसके बाद पालिका जाऊँगा, पालिका को कवर करूँगा, उधर मेनली जो है मेल्स का मिल जाएगा, तो उधर से भी देखूँगा अभी अपना सामान। शुरू कर दिया वीडियो कंटिन्यूड है। तो आज हम जैसे कि जा रहे हैं सीपी, आज हम H&M वगैरह देखेंगे, H&M वगैरह में ट्राई करेंगे कुछ अच्छा मिल जाए, और पालिका बाजार भी जाऊँगा मैं, तो उधर जाकर मिलते हैं। उधर मन्नू हमारा वेट कर रही है, मुक्ता सचदेवा वेट कर रही है हमारा उधर। प्लान में थोड़ी चेंज हो गया है, अभी हम H&M से पहले पालिका आ गए हैं कि पालिका में देख ले क्या क्या मिलता है, बाकी प्राइस वगैरह अच्छा। हाँ अभी पता क्या, वो भी मैं फर्स्ट दुकान पे घुसा उधर, उसने मैंने दो जीन्स का रेट पूछा तो मेरे को 1800 में दोनों कह रहा, 900 ईच। तो मैं ना जाने लगा, मैंने कहा मेरे को नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, वो डायरेक्ट 1800 से डायरेक्ट 1000 पे आ गया दोनों जीन्सों के लिए। लाइक देख लो कि कितनी तेज़ी से कितना हाई प्राइस करके बताते हैं और एकदम से नीचे गिरा देते हैं प्राइस। तो 1800 जहाँ पे दो जीन्स थी वो 1000 की दो जीन्स होगी। A few moments later. ये सारा पालिका मार्केट है। अलाउड नहीं है इस पालिका में। कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ जो मैं अभी आपको खाना खाने के बाद बताऊंगा, पहले मैं खाना खा लूँ ज़रा। तो हमने मील फॉर टू मंगाई है और हमने पेरी पेरी फ्राइज़ कराए हैं उसको, और हमने एक मीडियम कोक एक्स्ट्रा ले ली, तो मील फॉर टू में हमारा काम हो जाता है। तो पहले हम अभी इंजॉय करेंगे खाना, फिर उसके बाद आपको एक सीन बताऊँगा जो मेरे साथ आज हुआ। पालिका में क्या हुआ, मैं वीडियो बना रहा था उधर, तो एकदम से एक बंदा आया, कह रहे भैया वीडियो नहीं बनानी, वीडियो नहीं बनानी। मैंने कहा क्यों भाई क्या हो गया, यार ऐसे पब्लिकली वीडियो नहीं बनाया, नहीं तुम अपनी बना रहे हो साथ में दुकानों की बना रहे हो, ऐसे नहीं करना। बेसिकली मतलब उधर ये है कि उधर जो माल सारा जो मिलता है चेपने के उससे लगे होते हैं, और मैंने जैसे जीन्स वगैरह जो लिया है मतलब बंदे खींच खींच के ला रहे हैं, भैया इधर से लो, भैया इधर से लो, भैया इधर से लो, भैया इधर से लो। अरे भाई क्यों ले जब पसंद ही नहीं है चीज़, लो 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 लो। अब करते करते मैंने 400 रुपये की जीन्स ली, और मेरे को कितने का 750 रुपये की बोल रहा था, मैंने 400 रुपये की जीन्स ली, वो निक्कर कितने की थी 250-300 रुपये की निक्कर थी, 150 की वो ले ली। तो मतलब रेट जितने ज़्यादा काट सकते हो उतने काटो। और बाहर निकले तो ऊपर पोस्टर्स वाले बैठे होते हैं, तो मेरे को मैंने 3 पोस्टर्स लिए। अब तो ये वाला ठीक है, अब जो सबसे बेस्ट वाला है ऐसे दिखा देते हैं, वो है पबजी लाइफ जैसे पबजी हम खेले जैसे मर्सी, दिस फॉर यू अनिकेत आकाश एंड दीपेश। ये देखो भाई क्या लाया है तुमने अपने लिए, लिया तो ये लिया मैंने। गोवा के लिए क्या क्या शॉपिंग कर ली हम सब ने, ये देखो पूरी गाड़ी भरी पड़ी है, पीछे देखो बैग शैग, 3 तो बैग ले लिए हमने, ये बिल्कुल भरे हुए। और हमारी गोवा की शॉपिंग हो चुकी है अब, और आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर करी हूँ, जो जो गोवा से रिलेटेड सामान था मैंने सब कुछ दिखाने की कोशिश करी है, और कहाँ से चीप चीप मिल सके वो मैंने सब कुछ दिखाने की कोशिश करी है। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को यार, और जितना ज़्यादा इसको शेयर करोगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होता हूँ नई वीडियोज़ बनाने के लिए। सो इधर वीडियो को एंड करते हैं, आई होप तुम्हें सब कुछ पसंद आया हो, सी यू टाटा एंड गोवा। या अब तो गोवा सीरीज आ रही है, गोवा सीरीज की फर्स्ट वीडियो है, अब इसके बाद सारी गोवा सीरीज आएंगी। तो बाय बाय एंड टेक केयर, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बाय।